आईफोन से सफारी कैसे हटाएं? हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, इसे सरल लें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आईफोन से सफारी हटाने का तरीका। यह तेज और आसान है, तो चलो शुरू करते हैं। अब मेरे आईफोन पर सफारी है। मैं सफारी पर टैप करके उसे होल्ड करता हूं और ऐप हटाई पर टैप कर सकता हूं। लेकिन इसके विपरीत, जहाँ डिलीट ऐप कहा जा सकता है, ये मुझे सिर्फ होम स्क्रीन से हटाने का विकल्प देता है, तो मैं होम स्क्रीन से हटाता हूँ। ये अभी भी ऐप स्टोर या ऐप लाइब्रेरी में दिखेगा। लेकिन आईफोन से सफारी को पूरी तरह से हटाने का तरीका है, हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ नीचे स्क्रीन टाइम ही है, हम स्क्रीन टाइम पर टैप करेंगे। अगर स्क्रीन टाइम चालू नहीं है तो उसे चालू करें, और आप चाहें तो पासवर्ड बना सकते हैं। और फिर हम कॉन्टेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन पर टैप करेंगे। नीचे हम कॉन्टेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन चालू करना चाहेंगे, तो मैं उस पासवर्ड को डालूंगा। आप वहां उपस्थित हैं iTunes और App Store purchases के तहत अलाउड एप्स देख सकते हैं, तो हम इसे तब करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प सफारी है, हम अब इसे बंद कर सकते हैं। ये सफारी को आपके आईफोन से हटा देता है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं, मेरे पास सफारी होता था लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। यदि मैं ऐप लाइब्रेरी में यहाँ स्वैप करूँ तो यहाँ भी सफारी दिखा रहा है, इसलिए यह पूरी तरह से हट गया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपने ऐसा किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे सरल रखें।